हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हम इंटरकोर्स करते हैं, फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, उसके बाद जो महिला है तुरंत यूरिन पास कर लेती है, यानी कि टॉयलेट वो कर लेती है, तो क्या उसके बाद प्रेगनेंसी के चांस नहीं होते हैं? क्योंकि कई सारी लड़कियां पूछती हैं कि हम प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते, तो अगर हम संबंध बनाने के बाद तुरंत और टॉयलेट में जाके सुसु कर लें, यानी कि यूरिन पास कर लें, तो क्या इससे प्रेगनेंसी नहीं होगी? क्योंकि वो सोचती हैं कि जो सारा स्पर्म है वो बाहर निकल जाएगा पेशाब के साथ। यही कई सारे लोगों की मन में बातें होती हैं। दूसरा, जो लेडीज़ कंसीव करना चाहती हैं, काफ़ी टाइम से ट्राई कर रही हैं कंसीव करने के लिए, प्रेगनेंसी के लिए, तो वो सोचती हैं कि अगर हम तुरंत टॉयलेट चले गए तो बच्चा नहीं रुकेगा, क्योंकि सारा जो भी स्पर्म होता है वो बाहर निकल जाता है टॉयलेट करने के बाद। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या ऐसा करने से आपको प्रेगनेंसी लगेगी या फिर नहीं लगेगी, इस वीडियो में जानेंगे। बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो है, दोनों तरह की लेडीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि जो नहीं चाह रही हैं, अनचाहे गर्भ से बच रही हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, और जो लेडीज़ें प्रेगनेंसी कंसीव करना चाह रही हैं और काफ़ी टाइम से प्लान कर रही हैं, उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो रहेगा। तो लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहें ताकि आपको पूरी जानकारी इस वीडियो से मिल सके। तो इसे जानने के लिए सबसे पहले हमें नीचे के स्ट्रक्चर के बारे में जानना होगा, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसके लिए जहाँ से इंटरकोर्स होता है, यानी कि जहाँ से संबंध बनाते हैं, उस क्षेत्र को हम वजाइना कहते हैं, वजाइनल होल उसको बोला जाता है। दूसरा, उसी के जस्ट ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जस्ट ऊपर एक छोटा सा होल होता है जिसे हम यूरिथ्रा कहते हैं, जहाँ से यूरिन निकलती है, यानी कि यूरिन बाहर पास आउट होती है। तो दो छेद होते हैं, जैसे कि आप समझते हैं, जो नीचे का होल है उससे आपका इंटरकोर्स होता है, बच्चा भी वहीं से होता है, आपका पीरियड भी हर महीने वहीं से आता है। दूसरा, जो ऊपर का होल होता है उसका काम केवल आपकी यूरिन को बाहर निकालना होता है, जिसे हम यूरिथ्रा बोलते हैं। तो अब तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, उसके बाद समझना आपको काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा कि अगर आप यूरिन पास कर लिया है आपने, तो उसके बाद प्रेगनेंसी नहीं लगेगी या फिर लगेगी, ये समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने बताया, आपका नीचे का होल होता है सेक्स करने वाला, और ऊपर का यूरिथ्रा जिससे यूरिन पास होती है। तो सपोज दैट अगर आप प्रेगनेंसी नहीं रखना चाह रहे हैं, यानी कि आप कंसीव नहीं करना चाह रहे हैं, तो उस केस में कई लेडीज़ करती क्या हैं कि तुरंत वॉशरूम चले जाती हैं और यूरिन पास करके आ जाती हैं, ये सोचकर कि जो भी स्पर्म अंदर गया होगा वो बाहर आ जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो आपका वजाइनल होल होता है वो अलग होता है और जो आपका यूरिन का होल होता है वो अलग होता है। तो यूरिन तो अपने रास्ते से आएगी और जो स्पर्म को ऊपर जाना होता है वो तो अपने समय पे चला जाता है, कुछ ही मिनट में वो ऊपर चला जाता है। जो स्ट्रॉन्ग स्पर्म होते हैं वो ऊपर ट्यूब तक ट्रैवल कर लेते हैं काफ़ी कम मिनट में, वहाँ पर अगर अंडा प्रेजेंट होता है तो वहाँ पर बच्चा लग जाता है, फर्टिलाइजेशन का काम शुरू हो जाता है। तो इस भ्रम में मत रहिए कि भाई हमने संबंध बनाया उसके बाद यूरिन कर लिया तो अब बच्चा नहीं लगेगा। काफ़ी लोगों के सवाल आते हैं कि मैडम, हमने संबंध बनाया और उसके बाद तुरंत यूरिन भी कर लिया तो क्या फिर प्रेगनेंसी लगने के चांस होते हैं या फिर नहीं होते? तो बिल्कुल होते हैं, आप इस भ्रम में बिल्कुल मत रहिए। जितना स्पर्म को चढ़ना होता है वो ऊपर तक चढ़ चुका होता है, और वेजाइनल होल अलग होता है, आपका यूरिथ्रा का होल अलग होता है। ऐसा सोच के ना चलें कि भाई यूरिन के साथ साथ वो भी बाहर निकल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। दूसरा डाउट, कई लेडीज़ें कंसीव करना चाहती हैं और वो इस डर से नहीं जाती हैं यूरिन पास करने, चाहे उनको तेज़ से लग भी रही होती है फिर भी नहीं जाती हैं यूरिन पास करने, इस डर से कि सारा जो भी अंदर गया था सीमन वो बाहर ना निकल जाए। तो बिल्कुल आप जा सकती हैं, जितना जाना होता है वो कुछ ही मिनट में अंदर चला जाता है, उसके बाद आराम से आप नीचे के हिस्से को अच्छे से क्लीन कर सकती हैं, क्योंकि क्लीन करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन्फेक्शन के काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं। कुछ समय के लिए लेटे रहिए अगर आपको प्रॉब्लम है, यानी कि कंसीव नहीं हो रहा है काफ़ी समय तक, उसके लिए डॉक्टर एडवाइस देते हैं कुछ समय लेटने के लिए, 10 से 15 मिनट, उसके बाद आराम से आप वॉशरूम जा सकती हैं, यूरिन पास कर सकती हैं। जो भी स्ट्रॉन्ग स्पर्म होगा तो वो ऊपर तक चढ़ जाएगा और जो फ्लूइड वाला पार्ट होगा वो बाहर निकल जाता है। तो फ्लूइड वाला पार्ट तो बाहर निकलता ही है, तो इसमें लेडीज़ टेंशन में आ जाती हैं कि सारा बाहर निकल गया, अब हम प्रेग्नेंट हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे। तो जितना ऊपर चढ़ना होता है, जो भी स्ट्रॉन्ग स्पर्म होते हैं ऊपर तक चले जाते हैं, बाकी जो फ्लूइड वाला पार्ट होता है वो बाहर, उसको निकलना ही होता है।
तो आई होप आपके जो दो डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, उम्मीद करती हूँ। तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लें। और भी कोई सवाल है, कोई और डाउट है तो नीचे कॉमेंट में ज़रूर लिखें। इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी अपने सवाल हमसे कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।